आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 8th स्टैंडर्ड यानी 8वीं जमात का 9वां चैप्टर बीरबल की हाजिर जवाबी। चलिए शुरू करते हैं। एक दफा बीरबल की किसी बात पर खुश होकर अकबर आजम ने उनको इनाम के तौर पर जागीर देने का वायदा कर लिया। जब काफ़ी वक्त इंतज़ार में गुजर गया और जागीर नहीं मिली, तो बीरबल ने एक दिन मौका देखकर अकबर बादशाह को जागीर देने के वायदे की याद दहानी कराई, यानी रिमाइंड करवाया। बादशाह अकबर ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, यानी कोई ध्यान नहीं दिया और दूसरी तरफ गर्दन मोड़ ली। कुछ दिनों के बाद बीरबल और बादशाह कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ऊंट दिखाई दिया। बादशाह की तबीयत में मजाह और तजस्सुस दोनों ही थे। मजाह यानि खुश मिजाजी, तजस्सुस मतलब ख्याल, तो दोनों ही उन या तलाश जिसको कह सकते हैं, तो दोनों ही थे। इसलिए ऊंट की तरफ देखकर बीरबल से पूछ बैठे, बीरबल ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल जागीर के बारे में कई बार याद दुहानी करा चुके थे, इसलिए मौका देखकर फौरन बोले, हुजूर इसने भी किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा। बादशाह बीरबल की बात की तह तक पहुंच गए और उन्होंने बीरबल को जागीर अता कर दी। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे डोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं अब चलेंगे, लेजी नहीं होगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना पहले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर दे 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। की तह तक पहुंच गए और उन्होंने बीरबल को जागीर अता कर दी। एक बार किसी दरबारी ने अकबर आजम से कहा, जहां पनाह, बीरबल अगरचे अक्लमंद आदमी हैं, मगर खाकसार का अपने बारे में ख्याल है कि बीरबल की जगह अगर आप मुझे इनायत फरमाएं तो शायद आपका ये नमक ख्वार यानी आपका नमक खाने वाला बीरबल से ज़्यादा अच्छा काम करेगा और ज़्यादा हाजिर जवाबी और हुनरमंदी का सबूत देगा। अकबर ने उससे कहा, इसमें शक नहीं कि तुम एक काबिल पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो, लेकिन मेरे ख्याल में शायद तुम बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे। वो शख्स इसरार करता रहा यानी जोर देता रहा, तो बीरबल ने कहा, अच्छा इसका फैसला कल दरबार में हो जाएगा कि तुम बीरबल की जगह लेने के अहल हो या नहीं, यानी उसके लायक हो या नहीं। साथ ही तुम्हारी अक्लमंदी, फरासत और हाजिर जवाबी का इम्तिहान भी हो जाएगा। चुनांचे दूसरे दिन दरबार में अकबर आजम ने उस शख्स से एक अजीब व गरीब सवाल किया, बताओ इस वक्त
जो लोग दरबार में बैठे हैं उनके दिलों में क्या है। वो शख्स अकबर का ये सवाल सुनकर सटपटा गया और कहने लगा, हुजूर ये मैं कैसे जान सकता हूँ कि इन सब के दिलों में क्या है और वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। किसी के दिल का हाल मालूम करना नामुमकिन है। फिर यही सवाल अकबर ने बीरबल से किया। बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में क्या है। तो बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ क्यों नहीं। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर सब लोगों के दिलों में है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। अगर यकीन ना हो तो आप इनसे दरियाफ्त कर लीजिए। दरियाफ्त मतलब होता है पूछना कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। बीरबल की ये दानिशमंदाना बात यानी समझदारी भरी बात सुनकर तमाम दरबारी हंसने लगे और अकबर भी मुस्कराए बगैर नहीं रह सका। आइए अब चैप्टर में आने वाले मुश्किल अल्फाज और उनके मायने देख लेते हैं। जागीर का मतलब होता है वो ज़मीन जो बादशाह या सरकार की तरफ से किसी को दी गई हो। याद दुहानी यानी याद दिलाना, मज़ाह यानी खुशतबई या हंसोड़पन, तजस्सुस यानी तलाश या खोज, अता यानी देना बख्शिश। अकबर आज़म यानी एक मशहूर मुगल बादशाह का नाम है। अकबर यानी होता है बड़ा, आज़म यानी जिसका मर्तबा सबसे बड़ा हो। जहाँ पनाह यानी दुनिया को पनाह देने वाला, जैसे बादशाह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। खाकसार मतलब मामूली और इनायत मतलब करम, नवाजिश या मेहरबानी। नमक ख्वार मतलब नमक खाने वाला नौकर जो होता है। हुनरमंदी होशियारी और इसरार करना यानी ज़ोर देना, ताकीद करना या ज़िद करना। और फरासत यानी होता है सूझबूझ।